सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, यार आप में से बहुत स्टूडेंट्स यार ईगर होंगे ये जानने के लिए कि यार कॉलेज के जो रिपोर्ट कार्ड होता है, जो रिजल्ट होता है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल्ड हो, क्या वो चीज़ में क्या मेंशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आपका आप लोग का यार UPTU के थ्रू रिजल्ट आता है ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर, मतलब अगर ऑफलाइन नहीं आता है, ऑफलाइन मतलब जैसे आपको कोई पेपर वगैरह अगर कॉलेज से नहीं मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। सो यार हाँ, मतलब जिस भी सेमेस्टर में आप फेल्ड हो वहाँ पे फेल्ड रेड कलर में लिख के आएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास लिख के आएगा। बट यार आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, वो चीज़ अपडेट भी होती है उसी वेबसाइट के थ्रू। ओके, मतलब जो भी सिस्टम, मतलब जो भी सर्विसेज या सिस्टम उस चीज़ को गर्न कर रहा है वेबसाइट को, मतलब वो चीज़ बाद में अपडेट भी होगी। मतलब जिस सेमेस्टर आपकी पास टाइम पे बैक लगी थी, फ्यूचर में आप उसका एग्जाम दोगे एंड उसको आप क्लियर कर लेते हो, सर वो मतलब जो फेल्ड लिख के आएगा वो हट जाएगा। ओके, एंड ग्रीन कलर में पास लिख के आ जाएगा। ओके, सो यार इसका यही प्रोसीजर रहता है। सर बहुत से स्टूडेंट्स यार ईगर होंगे और कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को जानने के लिए, सो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। एंड गाइस यार, एज यू ऑल नो, जैसे कोई भी Tier 3 कॉलेज या फिर मतलब रूरल टाइप का कॉलेज है, रूरल एरिया का, एंड उसमें आपका रिजल्ट का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो अगर इन हैंड मिल रहा है, मतलब एज अ शीट ऑफ पेपर, मतलब आपको वो लिख करके दे रहे हैं और सिग्नेचर करके दे रहे हैं, भाई यार फिर इसमें तो यार दिक्कत है, उसमें यार एफ में रेड टिक करके आएगा उसको। ओके, मतलब उसमें फिर फेल ही लिखा रहेगा। बट यार मैक्सिमम कॉलेज यार रिजल्ट ऑनलाइन देती हैं, सो चीज़ें अपग्रेड होती हैं, सो मतलब प्रेजेंट टाइम तक के लिए उसमें तो यार फेल ही लिखा रहेगा। बट आप जब उसे क्वालिफाई कर लोगे, उस एग्ज़ाम को मतलब दे दोगे, तो उसमें आपका ग्रीन टिक पास के साथ आ जाएगा। ओके, सो वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड यार कमेंट में मुझे करके बताओ कि किन और ऐसे अच्छे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊँ। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।